हेलो एवरीवन, हमारी तीन ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप, जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। तो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपका एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम या तो एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव हैं और उनके स्ट्रक्चर में कोई साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव and do not contain any cyclic ring। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव है और उसके स्ट्रक्चर में कोई भी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे कंपाउंड आपके एलिसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब यहां टर्म यूज कर रहे हैं यहां पर हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन दो वर्ड्स मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपका हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकेंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें कोई भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं होता है। अनसैचुरेशन मींस डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड से बने हुए कंपाउंड होते हैं। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसका एक एग्जांपल है आपका एल्केन। एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है आपका स्ट्रेट चेन दूसरा ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपका स्ट्रक्चर में कोई भी साइड चेन प्रेजेंट नहीं होता या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं होता है। दे डू नॉट कंटेन एनी साइड चेन। ऐसे कंपाउंड्स आपके स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3 एंड ब्यूटेन। तो यहां हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के स्ट्रेट चेन से बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, साथ ही साथ इसमें कोई भी साइड में एल्काइल सब्स्टिट्यूशन या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए इसे स्ट्रेट चेन कंपाउंड कहलाता है। और अब दूसरा है आपका ब्रांच चेन, जिसमें आपका साइड चेन प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपके ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, CH3CH CH3CH3 आइसो ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन।
यहाँ आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, स्टेट चेन है, साथ ही साथ इसमें एक साइड में मिथाइल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, इसलिए इसे ब्रांच चेन में रखा हुआ है। अब सेकंड है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड पोटेंट होगा, अनसैचुरेशन पोटेंट होगा, जिसमें आपका दो पार्ट में डिवाइड किया है आपका एल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसका जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n होता है। अब सेकंड एग्जाम्पल सेकंड पार्ट है इसका एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका एल्कीन का एग्जाम्पल है आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहां पर आपका कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड पोटेंट है, तो ये एल्कीन का एग्जाम्पल है और इसका नाम है आपका 2-ब्यूटीन। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एल्काइन में। एल्काइन में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 2-ब्यूटाइन। तो ये एग्जाम्पल है एल्काइन का जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा, क्योंकि ये इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं अबाउट एसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक या ऑक्सीजन कंपाउंड्स, जिसमें किसी भी कंपाउंड्स में आपका कोई भी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये या तो हाइड्रोकार्बन है या उसके डेरिवेटिव है। तो ये आपका है आपका एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है आपका साइक्लिक कंपाउंड्स, तो इसका इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। दूसरा पार्ट है इसका आपका साइक्लिक कंपाउंड्स या इसको हम क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कंटेन साइक्लिक रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है, ऐसा कंपाउंड आपका साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट कार्बोसाइक्लिक, सेकेंड हेट्रोसाइक्लिक। अब कार्बोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक सबसे पहले कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक को हम होमो साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन से ही जिनका रिंग बना होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपके कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। रिंग कंप्राइजिंग ओनली ऑफ कार्बन, जिसका रिंग केवल कार्बन से ही बना होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपके कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एलिसाइक्लिक, सेकेंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि एलिफेटिक कंपाउंड्स को साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करने से बनते हैं। ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, एलिफेटिक प्लस साइक्लिक। तो ऐसे कंपाउंड जो कि एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों हो, आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये आपका सैचुरेट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों तरीके के हो सकते हैं, और लेकिन इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं आएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे CH2 साइक्लो प्रोपेन।
जिसमें आपका साइक्लिक रिंग है और साइक्लिक रिंग में केवल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये आपके साइक्लोप्रोपेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आप दूसरा एक अनसैचुरेटेड वाला देख लेते हैं, ये सैचुरेटेड वाला है तो CH2CH डबल बॉन्ड CH, ये हुआ आपका साइक्लोप्रोपीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एरोमेटिक, किसी भी कंपाउंड्स को एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसमें कुछ करैक्टर होने चाहिए। सबसे पहला करैक्टर है आपका वो उसमें एक साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसमें sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर वो sp3 हाइब्रिडेशन शो कर रहा है तो वो एरोमेटिक करैक्टर शो नहीं करेगा, और उसमें वो आपका हकल्स रोल को फॉलो करना चाहिए, मीन्स उसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और n की वैल्यू हमेशा यहाँ इंटीजर 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा इस टाइप की आ रही है, तो वो एरोमेटिक करैक्टर शो करता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट बेंजिनोइड, सेकेंड नॉन बेंजिनोइड। बेंजिनोइड ऐसे कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपके बेंजिनोइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। दे कंटेन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपका बेंजिनोइड कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, जैसा आपका फिनॉल या फिर बेंजल्डिहाइड, या एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और ये इन सभी कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे एरोमेटिक बेंजिनोइड कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा है आपका नॉन बेंजिनोइड, दे डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, जिनके स्ट्रक्चर में कोई बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे कंपाउंड्स आपके नॉन बेंजिनोइड कहलाते हैं। अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, एज्यूलिन, यहां पर आपका एक 7 मेंबर रिंग है और एक 6 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, यहां पर कोई भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे नॉन बेंजिनोइड में रखा हुआ है और ये सभी एरोमेटिक करैक्टर शो कर रहे हैं। तो यहां 7 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग का फ्यूज्ड रिंग है एज्यूलिन, एज्यूलिन जिसको हम नॉन बेंजिनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब दूसरा है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिसमें रिंग कंटेन अदर देन कार्बन, सच एज नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ऐसे कंपाउंड जिसके रिंग में नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन ऐसे अदर एलिमेंट हो कार्बन के अलावा, तो वो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एलिसाइक्लिक, सेकेंड एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड्स जिसके जो एलिफेटिक कंपाउंड्स को साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट करने से बनते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, साथ ही साथ इसमें रिंग में कार्बन के अलावा हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे आपका टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, जिसमें आपका रिंग में कार्बन प्रेजेंट है, साथ ही साथ एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है,
तो ये आपका एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, पाइरोलिडीन, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के अलावा हेटरो एटम प्रेजेंट है। यहां पर दूसरे एग्जांपल में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स आपका हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और ये इन सभी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं और इसमें सैचुरेशन या अनसैचुरेशन हो सकता है। दूसरा है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो इन सभी कैरेक्टर को फॉलो करेंगे, साथ ही साथ उसमें एक हेटरो एटम प्रेजेंट होगा, एक से अधिक, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ऐसे आपको कंपाउंड्स आपका एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, एटोमेटिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक को। आपका यहां पर पायरोल, पायरोल यहां पर आपका पायरोल में रिंग में एक हेटरो एटम प्रेजेंट है एन, और साथ साथ वो कार्बन से बना हुआ और एरोमेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। इसमें चारों ये जो रूल्स है ये फॉलो हो रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखने समझने की कोशिश करते हैं, आपका फ्यूरॉन, जिसमें साइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। थर्ड है आपका इसी में एग्जाम्पल थायोफिन, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, दूसरे में ऑक्सीजन है, तीसरे में सल्फर है। तो और ये अभी सभी जो है आपका एक जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे और सभी एरोमेटिक कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ इसका, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये डिटेल है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।